प्रियंक पर फिर भड़के बिग बॉस। जी हाँ, इस बार बिग बॉस ने प्रियंक को दी लास्ट वार्निंग। अरे जनाब, हाल ही के एपिसोड में बिग बॉस ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया रखी, जिसमें दो दो कंटेस्टेंट्स को कन्फेशन रूम में जाकर आपस में से किसी को इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करना था, जिसके बाद बिग बॉस ने सबको बोला था कि इस बात के बारे में बाहर कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन प्रियंक कहाँ किसी की सुनने वाले हैं। प्रियंक हितेन के साथ कन्फेशन रूम में गए थे, जिसके बाद हितेन ने प्रियंक को बचाकर खुद को नॉमिनेट कर लिया। लेकिन प्रियंक ने रूम से बाहर आकर गार्डन एरिया में लगे कैमरास के आगे हितेन के लिए वोट अपील कर दी, जिसके बाद बिग बॉस भड़क गए। इतना ही नहीं, बिग बॉस ने प्रियंक को उनकी पुरानी गलतियां याद दिलाते हुए उन्हें खूब सुनाया और कहा कि वो प्रियंक की गलती नादानी समझकर माफ कर रहे हैं। इसके बाद प्रियंक ने कोई भी गलती की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर बिग बॉस ने प्रियंक को लास्ट वार्निंग दी और इस हफ्ते सेफ हुए प्रियंक को सजा सुनाते हुए बिग बॉस ने खुद नॉमिनेट कर दिया। बता दें कि बिग बॉस के आने वाले एपिसोड में काफी ड्रामा नजर आने वाला है, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि अब कौन किससे लड़ाई करता नजर आएगा। वैसे आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।